हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास ट्वेल्थ हिंदी का दोस्तों 7 नंबर चैप्टर ओ सदनिरा का दोस्तों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा। और दोस्तों इससे पहले दोस्तों 1 से लेकर 6 चैप्टर तक दोस्तों मैंने दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया हूँ दोस्तों, प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, 7वां नंबर चैप्टर है जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस चैनल पर हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों बहुजन संप्रेषण के माध्यम दोस्तों पुस्तक किसने लिखा है, तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर, जो कि दोस्तों ओ सदनिरा भी जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ही लिखा गया। ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बहुजन संप्रेषण के माध्यम दोस्तों किसकी पुस्तक है, तो जगदीश चंद्र माथुर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, तो याद रखिए दोस्तों ओ सदनिरा जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर कहता है कि ओ सदनिरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। ओ सदनिरा दोस्तों शीर्षक पाठ है वो किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह एक निबंध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यह एक निबंध है ओ सदनिरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, तो जगदीश चंद्र माथुर थे दोस्तों वो मूलतः क्या थे, तो याद रखे दोस्तों यह एक नाटककार थे। ठीक है दोस्तों, नाटककार हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएंगे। ठीक है, एक तरह से वो निबंधकार भी है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर नाटककार को मालूम है हमें यहाँ पर। ठीक है, वो निबंधकार है दोस्तों किसके, तो ओ सदनिरा के। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि ओ सदनिरा दोस्तों निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। ठीक है, वो सदनिरा दोस्तों निबंध है बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है, तो यहाँ पर सही आंसर दोस्तों चंपारण हो जाएंगे, चंपारण पर दोस्तों लिखी गई है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 6 नंबर कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों चंपारण में दोस्तों बाढ़ का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों जंगलों का कटना। ठीक है दोस्तों, बाढ़ का मुख्य कारण चंपारण क्षेत्र में, ठीक है, जंगलों का कटना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 नंबर के माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए, दोस्तों माथुर जी थे वो किस राज्य के शिक्षा सचिव दोस्तों नियुक्त हुए, तो याद रखें दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होना चाहिए। ठीक है, बिहार के, यहाँ पर दोस्तों बिहार के हो जाएंगे सही आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिहार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 8 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मी सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन काल रहा, ब्राह्मी सदी के लगभग 300 वर्ष तक दोस्तों किस वंश का शासन काल रहा, तो याद रखें दोस्तों कर्नाट वंश का शासन काल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 9 नंबर कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया, अंग्रेज दोस्तों ठेकेदार थे किस चीज़ की खेती का विस्तार किए थे, तो 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर नील हो जाएंगे दोस्तों, नील की खेती, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था दोस्तों। ठीक है, राजा हरि सिंह को गयासुद्दीन दोस्तों तुगलक का सामना कब करना पड़ा था, तो यहाँ पर सही आंसर दोस्तों 1325 ईस्वी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएंगे 1325 ईस्वी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया, धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में दोस्तों कब लाया गया था, यहाँ पर सही आंसर दोस्तों 18वीं सदी के अंत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएंगे, 18वीं सदी के अंत में। चलिए 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि पुंडलिक जी कौन थे, तो पुंडलिक जी दोस्तों शिक्षक थे भितरहामा के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे, शिक्षक थे। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर रचित है। ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, कोणार्क है जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि दोस्तों माथुर को मिली थी, कौन सी उपाधि दोस्तों जो माथुर को मिला था, तो याद रखे दोस्तों विद्या भारिधि दोस्तों उपाधि जो माथुर जी को मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माथुर जी को भितरहामा पहुँचने पर कौन मिले दोस्तों, माथुर जी को भितरहामा पहुंचने पर कौन मिले थे, तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर दोस्तों सी हो जाएंगे। ठीक है, पुंडलिक जी मिले थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएंगे, पुंडलिक जी जो कि दोस्तों शिक्षक के, कहाँ के थे शिक्षक, तो भितरहामा के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएंगे, पुंडलिक जी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुंडलिक जी ने निर्भीकता दोस्तों किससे सीखी, पुंडलिक जी थे जो थे दोस्तों वो निर्भीकता कब किससे सीखे। ठीक है,
निर्भीकता। तो यहाँ पर दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दोस्तों, गांधी जी से सीखे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे गांधी जी, ठीक है। चलिए 18 नंबर, चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का था कि कनॉट वंश के राजा हरि सिंह, ठीक है दोस्तों, कनॉट वंश के राजा कौन थे, हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा था दोस्तों, तो किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो याद है कि दोस्तों यह गयासुद्दीन का दोस्तों तुगला का दोस्तों सामना करना पड़ा था, मुकाबला करना पड़ा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कि चंपारण में धौंगड़, धौंगड़ कहाँ से आए, तो याद है कि दोस्तों यह छोटा नागपुर से आए थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएंगे छोटा नागपुर से। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का था कि गांधी जी चंपारण में कब आए, गांधी जी चंपारण में कब आए थे, तो याद है कि दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अप्रैल 1927 में दोस्तों गांधी जी चंपारण आए थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों क्वेश्चन कहता है 20 नंबर कि तिनकाठिया प्रथा का संबंध है, तिनकाठिया प्रथा का दोस्तों संबंध है, तो किससे रिलेशन रखता, तो नील की खेती से, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएंगे नील से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर कहता है कि पंडेई नदी दोस्तों कहाँ तक जाती है, पंडेई नदी है दोस्तों वो कहाँ तक जाती है, तो याद है कि दोस्तों यह भिखना थोड़ी तक जाते हैं, ठीक है, भिखना थोड़ी तक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भिखना थोड़ी। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का था है कि बराज कहाँ बन रहा था, बराज कहाँ बन रहा था, तो 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे भैंसा लोटन में, ठीक है, भैंसा लोटन में दोस्तों हो जाएंगे, ठीक है, बराज बन रहा था, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएंगे। चलिए 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था कि आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, आम्रपाली दोस्तों थे वो तथागत को क्या सौंपा था, जब सही दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे आम्रबान सौंपा था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे आम्रबान, ठीक है दोस्तों, तथागत को सौंपा था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे। चलो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से समझ गया, माट के महंत गांधी जी को कहाँ शरण दी, माट के महंत दोस्तों गांधी जी को कहाँ शरण दी, तो यहाँ पर दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एक महुए पेड़ के नीचे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएंगे। चले 25 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का था जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हो जाएंगे 16 जुलाई 1917 ईस्वी को दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। चलिए 26 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि वैशाली महोत्सव के बीजा रोपण किया, वैशाली महोत्सव का बीजा रोपण दोस्तों किसने किया था, तो याद आ गया दोस्तों यह जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर। चलिए 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है कौन सी कृति दोस्तों माथुर जी की नहीं है, कौन सी कृति दोस्तों माथुर जी की नहीं है, तो याद रखेगा दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएंगे रेशमी टाई है दोस्तों, जो माथुर जी की रचना नहीं है दोस्तों, मेरी बासु दोस्तों किसकी रचना है, माथुर जी की, बांदी भी दोस्तों माथुर जी का, कोनाक भी दोस्तों माथुर जी के, पर सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों, जो कि माथुर जी की रचना नहीं है, क्या, तो रेशमी टाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कृति माथुर जी की है, कौन सी कृति है दोस्तों जो माथुर जी की है, तो याद रखेगा दोस्तों भोर का तारा है जो माथुर जी की दोस्तों रचना, ठीक है, भोर का तारा, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, भोर का तारा माथुर जी की रचना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बोलते छन किस साहित्यिक विद्या की कृति है दोस्तों, बोलते छन कौन सी विद्या, ये आपसे क्वेश्चन करता है, तो ये दोस्तों एक निबंध है, बोलते छन दोस्तों क्या निबंध है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सॉरी ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दोस्तों, यह एक निबंध है। चलिए 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि ओ सदानीरा की दोस्तों किसके निर्मित बनाकर लिखा गया, ओ सदानीरा दोस्तों है तो किसको निर्मित बनाकर लिखा गया, ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गंडक, ठीक है, गंडक हो जाएंगे दोस्तों, जो कि दोस्तों ओ सदानीरा जो इसको निर्मित करके दोस्तों लिखा गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि थॉरन शब्द किस शब्द से विकसित है, थॉरन शब्द दोस्तों वो किस शब्द से विकसित है, तो याद है कि दोस्तों यह थॉर से विकसित है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे थॉर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर कहता है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव, ठीक है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था दोस्तों, ठीक है, सुप्रसिद्ध दोस्तों सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव दोस्तों उसका दोस्तों बीजारोपण किसने किया था, तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों 33 नंबर कि ओ मेरे सपने दोस्तों एक रचना है, ये दोस्तों कैसी रचना है, ये क्वेश्चन करता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएंगे, यह नाटक है दोस्तों, ओ
वो मेरे सपना या दोस्तों एक नाटक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, विद्या नाटक है। चलिए गौतम बुद्ध का अभी आविर्भाव दोस्तों कब हुआ था, तो याद रहेगा दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे, 2500 वर्ष पहले, इसीलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 35वां क्वेश्चन कर रहा है कि राजा हरिसिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। दोस्तों राजा हरिसिंह दोस्तों देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, तो 35वां दोस्तों क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएंगे, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों का था 36वां कि वो सदानीरा का लेखक कौन है, तो सभी लोग जानते होंगे जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएंगे, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए 37वां दोस्तों क्वेश्चन है कि कोणार्क का दोस्तों नाटककार कौन है, देखिए दोस्तों कोणार्क कैसे विद्या तो नाटक, ठीक है, तो दोस्तों कोणार्क नाटककार कौन हो जाएंगे, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कहता है कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, 10 तस्वीरें के रचनाकार दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, इस चैनल पर आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।